एवरीवन, कैसे हो आप सभी? हैप्पी होली। तो आज है होली, मतलब जो कलर वाली होली से पहले वाली होली होती है वही होली है आज। तो मैं अभी अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले ही मैं अपनी ननद के यहाँ गई थी, वहाँ से आई। आते ही नहाई धोई तैयार हुई बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरी सासू माँ ने बहुत आफत उतार रखी थी, क्योंकि दिए बत्ती का काम जो है वो मुझे ही करना था, ना कि दुरानी को। और बड़ी हूँ ना, तो मम्मी बोल रही कि तू बड़ी है तो तुझे ही ज्योत बत्ती का काम करना चाहिए। पहले मम्मी जलाती थी, कुछ ऐसा वो होता है कि दुरानी को जलाने होते हैं तो वो जला देती है, वरना तो तीज त्योहार के दिए पहले मम्मी जलाती थी, अब मैं जलाती हूँ। तो मम्मी कहती नहीं, ये तेरे ये काम दुरानी नहीं है, तुझे ही करना पड़ेगा। तो कुछ काम होते हैं भैया जो जेठानी को ही करने पड़ते हैं। तो बस मैं आकर के बहुत जल्दी जल्दी से आकर के तैयार हुई, क्योंकि त्योहार का दिन था। ज्योत बत्ती का काम जो होता है वो सुबह सुबह का होता है, सुबह सुबह के टाइम में जितना जल्दी कर लो उतना ठीक है। और मैं पहले यहाँ पर आ गई हूँ। ये हैं हमारे देवता, तीन देवता हैं। तो दूर दूर तक मतलब खेत ही खेत थे, हवा चल रही थी, बहुत तेज वाली हवा थी, मतलब जोत जलाना ना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने जो दिए थे वो अंदर ही रख के तभी जलाए, और यहीं पर इनके खेत हैं, जिस साइड में मैं जहाँ पर दिए जला रही हूँ वही ये इनके गेहूं की फसल है, और मतलब काफ़ी अच्छे हो रहे थे। तो मैंने ना देखो दिए अंदर रख के जलाए हैं, जल तो मेरे सारे गए थे। चादर चढ़ानी थी मुझे देवताओं पर, और कुछ और भी मतलब जो कुछ होता है ना होली पर परहामनी दी जाती है शायद, वो सब कुछ भी मैंने मम्मी को करके दे दिया था, वो बाद में मम्मी कर लेगी। और अभी यहाँ पर पूजा की है, उसके बाद में जाना है मुझे भद्रकाली पर। यहाँ पर जो इनके गांव में मंदिर है वहाँ पर जाऊँगी, वहाँ पर दिया जलाऊँगी, और उसके बाद में वापस जा कर के गाँव में ही वो है माता है और भूमिया है जो गाँव में रहते हैं वो। हेलो एवरीवन, हैप्पी होली, कैसे हो आप सभी? तो मैं मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे पहले मैंने बात भी नहीं की। अभी मैं आई थी दिया जलाने, पूजा करने, तो पूजा मेरी हो गई है, पूजा मैंने कर ली है, और वो उधर घूम रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ पर गेहूँ हैं, बोल रहे हैं हमारे गेहूँ हैं यहाँ पर। तो ये इनकी मतलब फसल है गेहूँ की। हवा चलिए तो हवा में काफ़ी गेहूँ जो है वो सो गए हैं। पीछे सब सही है, पीछे सब सही है, मतलब पीछे तक देखते जा रहे हैं कि नहीं। ये इनके खेत हैं और बाल आ गई है, गेहूँ पे फसल आ रही है। आज हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, पर मेरे दिए तीनों जल गए। मुझे जब से मम्मी ने मुझे एक बात बताई थी कि ये जो छोटे वाले जो है ना इनके आगे दिया नहीं जलता, अच्छा जो मुझे बड़ी टेंशन सी हो गया है जब मैं पूजा करूँ ना कि मेरा ना बस एक बार के मैं जल जाए। तो मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है, पीले वाली, कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। दिख नहीं मुझे तो कुछ भी दिख नहीं रहा इसमें, कैसा दिख रहा कैसा नहीं दिख रहा, बस हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे होली मना रहे हो? आप ज्यादातर तो छोटी होली वाले दिन तो पूजा पार्टी, कल होएगी रंग वाली होली, कौन कौन खेलेगा, कोई मत खेलियो, रंग मत लगाइयो बिल्कुल भी, पानी पानी से खेलो, खूब पानी पानी। तो अभी हमें जाना है भद्रकाली पे ना, गांव में ही है मंदिर, वहाँ जाना है, पूजा करनी है, फिर हम वापस जाएंगे। कहाँ कहाँ से कैसे हो रहा है, सबसे पहले मैं थोड़ी सी देर के लिए गई थी कल अपने घर, फिर गए हम ननंद के यहाँ, वहाँ पे रात हम रुके, सुबह में वहाँ से चले, बस घर आके नहाई ही थी, नहा के तुरंत ही तैयार वैयार होके मैंने कहा सबसे पहले पूजा करके आते हैं, उसके बाद में बाकी का काम देखेंगे। तो अभी पूजा हमारी हो गई है और अब इसके बाद जाएंगे मंदिर, मंदिर जाने के बाद में फिर हम वापस गांव में जाएंगे। तो चलिए, आई होप आप लोग भी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मांटू घर पर ही है, चूड़ी भी अच्छी लग रही है हमारी, हम लग रहे हैं यहाँ पर कि हाँ हम भी बहू हैं। वो उठाइयो, जल भी उठाना, हमने प्रसाद चढ़ाया और वो आ गए, चीटी अपना खाना खाने के लिए आ गई है, दाने दाने वाले, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये बात बिल्कुल सही है, मन भाई बहुत लगता है। चढ़ेगा हम तो उठाओ भाई सच में ही।
ये तो पागल हो रखे हैं यहाँ पे शांति सुकून को लेकर के। वैसे है तो है ही भाई, गांव तो गांव ही है, अपना गांव, गांव जैसी बाहर नहीं मिलती कहीं भी भाई, गांव जैसी शांति। दिए तो ठीक है ना, जलते रहेंगे ना, अंदर है, अंदर रख दिए मैंने, डर लगता है ना खेत वेत में कहीं थोड़ा सा, पर मैंने अंदर को रख दिए हैं, उसमें रख रहा हूँ। सीधे चलना, सीधे ये इधर को बताना रास्ते का। ये रास्ता भूल जाते हैं इसीलिए हमको डर लगता है, कहीं हमको कहीं और ना लेके घुस जाएं खेत में किसी और के। तो चलिए फिर अभी मंदिर पे भी पूजा वूजा करनी है जाकर के, चले फिर। पूजा मेरी हो गई है और पूजा करने के बाद हम जा रहे हैं अभी घर वापस। हालत ख़राब हो रही है और बर सारे में ना बहुत ज़्यादा हरियाली है, आम के पेड़ों पर भी मोल आ रहा है, आप लोग देख रहे हो, क्योंकि आम का भी मौसम आने वाला है। तो अभी हम घर जा रहे थे, सारे में हरियाली ही है, बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी गाँव में, तो बहुत मन लग रहा था। हम तो कहते सही है हम वहाँ से ना यहाँ पर आ गए, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारी झंझटें, अब कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा वो है, गांव में तो कोई पहचान सुन के भी माने कोरोना वायरस क्या हुआ, कोरोना वायरस कोई जान भी नहीं रहा है कोरोना वायरस को, तो इतना गांव में कुछ नहीं, और शहर में तो क्या है, हर बच्चे बच्चे के मुंह पे कोरोना वायरस है। और गांव में बहुत सुकून शांति है। शाम के टाइम के खाने की तैयारी हो रही है, मैं काट रही हूँ यहाँ पर बैठ कर के सब्जी, और शाम के खाने में बनेगा आलू गोभी मटर की सब्जी, तो मैं वही तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, देखिए गांव का अलग होता है शहर का अलग होता है, थोड़ा सा तो होता है, गांव में एक सब्जी अच्छी सी बन जाए इतना इनफ है। तो मैं यहाँ पर आलू गोभी काट रही थी, ये भी आए कह रहे चलो मैं ना मटर कटवा देता हूँ तुम्हारे साथ में, थोड़ी सी देर ये खड़े हुए और वो करके मांटू जितना छिल रही थी उतना मांटू खा रही थी। और ये है हमारी देवरानी, तो ये कटोरी छोंक वोंक काटने को टमाटर काटने के लिए मैंने मंगाई थी। और मम्मी अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, दुरानी अपना काम कर रही है, मांटू अपना काम कर रही है, और ये अपना काम कर रहे हैं, तो सब अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। और जो घर के बड़े हैं जैसे पापा जी, अंकल जी और मेरे दादा ससुर, वो ज़्यादातर नीचे ही रहते हैं, क्योंकि जो दादा ससुर हैं वो तो आप लोग समझ ही सकते हो बहुत बुजुर्ग हैं, तो उनसे तो इतना ऊपर आना जाना चढ़ना हो नहीं पाता है। पर हाँ मतलब जो मेरे ससुर जी हैं वो बहुत थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अंकल जी अपना खेत वेत का काम देखते हैं, तो घर में लोग बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी फैमिली है अच्छी खासी, पर वही है ना सब अपने अपने कामों पर लगे रहते हैं। गाइज मैंने आकर के वहाँ से कपड़े उपड़े सब चेंज कर लिए थे, क्योंकि साड़ी में ना फिर बहुत ज़्यादा उलझन सी होती है, ज़्यादा काम वाम भी नहीं होता। कपड़े चेंज किए हैं, अभी काटी है सब्जी, आकर के थोड़ी सी देर रेस्ट भी किया, आप लोगों के लिए वीडियो भी रेडी किया, क्योंकि वीडियो कल तैयार नहीं हो पाया था, कल मैं बहुत ज़्यादा थकी थी और रात में फिर मैं सो भी गई, तो कल वीडियो नहीं तैयार कर पाई थी। मैंने पहले आकर के वहाँ से वीडियो तैयार किया, आप लोगों तक पहुँचाया, उसके बाद में खाना पीना खाया और फिर शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि त्यौहार का जो खाना होता है
वो जल्दी ही बनता है। तो शाम के खाने की भी तैयारी करी है, सब्जी वब्जी काट दी है, और अभी यहाँ पर मतलब मम्मी बना रही है खीस, जो दूध का बनता है, बहुत लोग जानते भी होंगे, खीस बना रही है मम्मी। तो उसके बाद में मैं देख रही हूँ सब्जी वब्जी छोंकूँ, क्योंकि गैस पर बनेगी तो वो अंदर बनानी पड़ेगी, बट मेरा मन है कि मैं चूल्हे पर बाहर बैठ के आराम से बना लूँ। तो अभी देखिए वो लकड़ी आगे को बुझ गई वो, तो मम्मी ऊपर से ला रही है, मम्मी ने कह रही मोटी लकड़ी लाऊं, ये नहीं जलने की इनसे, तो और आग फैल रही। तो चलिए फिर अभी करते हैं आप लोगों से सॉरी, ज़्यादा बात भी नहीं हो पा रही, ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि होता है ना थोड़ा सा हम बिज़ी हो जाते हैं काम वाम में, और जब घर वालों के साथ में होते हैं तो कुछ और ज़्यादा भी। और मैंने ये वाली कुर्ती पहन लिया आकर के, वहाँ से ना चेंज कर लिया था, साड़ी निकाली थी, और मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाली हुई, साड़ी डाली हुई, सबको पसंद आ रही है। वो बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, थकावट हो रही है, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा थकावट है। अभी है हवा है मम्मी मकाबी, तो है हवा बनेगा। बच्चे खा रहे हैं होली के होलियार, अब ये होलियार खा रहे हैं। मम्मी हेलो करिए, हेलो हेलो। ये है हमारी मम्मी जी, यानी कि हमारी सासू माँ, सब ने देखी, हमारी दुरानी ने देखी, सबको बहुत रहा, अपनी दुरानी को नहीं दिखाती, ये है हमारी दुरानी, बहुत शिकायत रहा लोगों को दिखाती है, जब ये आती रही तो वहाँ दिखाऊंगी कहाँ से, जब हम घर आएंगे तभी तो दिखाएंगे, अब आए हैं तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। मेरठ तो आ जा करेगी, मेरठ तो ईजी हो जाएगा आना ना, वहाँ दूर है, ये आते जाते नहीं ज़्यादा, तो इनको बहुत दूर लगता है, मम्मी तो डर के मारे नहीं आती कि बहुत दूर है, नज़दीक फिर आया करेंगे सब लोग, जब हम नज़दीक आ जाएंगे ना मेरठ, फिर सब आया करेंगे। चलिए फिर खाना वाना देखते हैं, कुछ बनाना है, आग वाग जलेगी तो कुछ अभी सिस्टम है नहीं, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है अभी तो फिलहाल। यहाँ पर बना रही हूँ अभी खाना, आलू गोभी की सब्जी बनाई है, और जो मेरे ससुर हैं, मतलब ज़्यादातर घर में लोगों की मिर्च बंद है, तो बिना मिर्चों की सब्जी बनती है घर में। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने हलवा बना दिया है, मम्मी बना रही है यहाँ पर खीस, तो चूल्हा भी चल रहा है, और चूल्हे पे मैंने खाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, मम्मी ने मना कर दिया, कह रही तुम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी यहाँ पर, इतना मतलब हवा ही बहुत तेज़ चल रही थी, आप लोग देख सकते हो, और खीस बनाने में टाइम लगता है, तो मम्मी बोली कि नहीं चूल्हे पर इसको मैं बना लूँगी, तुम खाना तब तक गैस पर बना लो, त्यौहार का दिन है, त्यौहार का खाना वैसे भी टाइम पर बनना चाहिए, लेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और मैंने हलवा सब्जी ये सब्जी बना दिया है, और जो रेखा है वो बना रही है अभी आटा, तो बस उसके बाद में उतार लेनी है पूरी, इतना ही काम बाकी है अभी, ज़्यादातर काम हो ही चुका है। और नीचे अंकल जी काट रहे हैं नियार, तो ये अंकल जी यानी कि हमारे चाचा ससुर जी हैं ये, तो ये नियार काट रहे हैं डंगरों के लिए, हम तो डांगर ही बोलते हैं, तो डंगरों के लिए नियार काट रहे हैं, काफ़ी सारे हैं, गाय वाय हैं, और झोटा है जिसको कुछ और भी बोलते हैं शायद, और लवारे भी हैं, भैंस है, तो काफ़ी सारे वो हैं। और यहाँ पर बैठे हैं मेरे दादा ससुर जी, और ये मेरे देवर का बेटा है जो हमारे दादा ससुर जी के पास में बैठे, और हमारे जो दादाजी हैं वो भी अभी इतने वो नहीं हुए हैं, ठीक ठाक है, मतलब ये अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो एक गाय तो यही है जो बाहर है, और दो गाय अंदर है,
तो गाय ज़्यादा रखते हैं मेरे ससुराल में, गाय का ज़्यादा वो होता है और मतलब रखते हैं, गाँव में तो काम नहीं चलता बिना डंगरों के दूध के, काम ही नहीं चलता। और ये गाय बहुत परेशान करती है, बांधने में अंकल जी को पूरे उसमें घर में घुमा देती है, कभी कभी तो अंकल जी को गुस्सा भी आ जाता है तो वो ना उसको बाहर ही छोड़ देते हैं, कहते हैं बहुत दुड़ाती है ये। और बस यहाँ पर ये सब लोग घूम रहे थे, हम खाना बना रहे थे, त्यौहार का पता ही नहीं चलता। और सच में ये बात बिल्कुल सच है, त्यौहार परिवार के साथ में है, जब आप परिवार के साथ में होते हो, त्यौहार मनाते हो, तो उस त्यौहार का मज़ा जो है ना वो दुगना तीन गुना हो जाता है। पकवान बना लो 70 कुछ भी बना लो, बट अगर फैमिली ही साथ में नहीं है तो उस चीज़ का कुछ भी मज़ा नहीं है। रूखी सूखी बना लो, परिवार साथ में है सब कुछ तो बहुत मन लगता है, जैसे कि हमारा लग रहा था, पता ही नहीं चला त्यौहार का कैसे बीत गए। और यहाँ पर अभी मम्मी निकाल रही है दूध, तो अगले दिन मैंने भी ट्राई किया था, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एक गाय इनमें से मम्मी बोल रही थी बहुत सीधी है, तू बैठ जा, तुझे कुछ भी नहीं कहेगी। तो अगले दिन मैंने ट्राई किया था, वैसे दूध निकालना मुझे आता है, मैंने घर से ही सीखा हुआ था, अपने पापा ने मुझे सिखाया था। और यहाँ पर मांटू और जो मेरे देवर का बेटा है वो अपना खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये वीडियो मैंने नहीं बनाया था, मैं तो ऊपर खाना पीना कर रही थी, इन्होंने ही बनाया था। और मतलब मन लग रहा था बहुत ज़्यादा, आई होप आप लोगों को भी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वैसे तो आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो कि वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कोशिश तो यही रहती है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। और मौसम देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा हो रहा है, सूरज मतलब जो है वो छिपने वाला है और बहुत अच्छा, मतलब शाम के टाइम में ऐसा हो जाता है गाँव में, तो शहरों में तो पता ही नहीं चलता बट गाँव में ऐसा हो जाता है। और हमारे मतलब घर के सामने ही खुला है, बहुत ज़्यादा ही खुला है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कितना सुंदर मौसम हो रहा है ना, बहुत मन लगता है, मतलब अगर छत पे चढ़ जाओ ना तो इतना मन लगता है, उतरने का मन ही नहीं करता, दूर दूर तक शांति शांति, कोई घै पै चूँ चा कुछ भी नहीं। और ये बिल्कुल सामने का ही वो है, सामने मतलब मेन रोड है और उसके सामने खेत वेत है, तो बहुत मन लगता है देखने में भी। शाम का टाइम हो गया था, होली जलाने का टाइम, तो यहाँ पर बच्चे अभी खेल रहे थे, तो बस अब ये सब बच्चे जाएंगे होली जलाने के लिए। तो चलिए फिर होली का दहन कर देते हैं और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए पाखी फैमिली व्लॉग, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होली ऑल ऑफ़ यू।